जैन साथियों, एसएससी एमटीएस की वैकेंसियां शुरू हो गई हैं, आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसके आवेदन आप 27 जून से आपके आवेदन शुरू हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि आपकी 31 जुलाई 2024 रहने वाली है और इसकी एग्जामिनेशन फीस जमा करने की तारीख 1 अगस्त 2024 रहेगी। तो साथियों, जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। एसएससी एमटीएस में भी जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं वो एसएससी एमटीएस के साथ हवलदार की वैकेंसियां जो निकलने वाली हैं उसको अप्लाई कर आप एक अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। हवलदार पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से लेकर 27 साल होनी चाहिए जनरल वालों की। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल प्लस हो जाएंगी, तो 18 से 30 साल हो जाएगी आपकी, और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल प्लस हो जाएगी, तो आप 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा मौका रहेगा क्योंकि आप अगर एक सिपाही के पद पर भर्ती होते हैं तो 10 साल बाद हवलदार पोस्ट तक पहुँच पाते हैं। ये एसएससी एमटीएस के साथ हवलदार की वैकेंसी जो निकलती हैं, इनका काम आपका, इनकी ड्यूटी कहाँ लगती है और इनका नियुक्ति कहाँ होती है, इसके बारे में बात करें तो हमेशा जब भी जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह रेट वगैरह में जाते हैं तो इनकी ड्यूटी उनके साथ लगती है, और इनकी नियुक्ति की बात करें तो जीएसटी विभाग में और कस्टम डिपार्टमेंट में ही इनकी ड्यूटियाँ लगती हैं, इनकी नियुक्ति वहीं होती है। अगर इनकी इसकी एग्जाम फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये रखी गई है, वो भी लड़कों के लिए, फीमेल के लिए फ्री है और अदर कैटेगरी के लिए भी फ्री है। अगर एसएससी हवलदार की बात करें, इसमें आपका फिजिकल रहता है, एसएससी एमटीएस में फिजिकल नहीं रहता है। तो इसके हवलदार के लिए क्या क्या फिजिकल रहता है, ये नॉर्मल फिजिकल रहता है, हर कोई इसको निकाल लेता है, मतलब पास हो जाता है। इसकी हाइट की बात करें तो हाइट भी इसकी नॉर्मल ही होती है। सबसे पहले देखते हैं इसकी रेस, इसमें रेस नहीं होती है, इसमें वॉकिंग होती है, जो कि आपको 15 मिनट में 1600 मीटर दूरी तय करनी होती है पुरुषों के लिए। अगर महिलाओं की बात करें तो 20 मिनट में आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। अगर पुरुषों की हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और इनके चेस्ट की बात करें, पुरुष के चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर इनका चेस्ट होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर फुलाव के साथ रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव सभी कैटेगरी के लिए मान्य होता है। फीमेल की हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट होनी चाहिए। फीमेल में चेस्ट की माप नहीं होती है, इनमें वेट की माप होती है, तो इनका मिनिमम वेट देखें तो 48 किलोग्राम इनका वेट होना चाहिए। इसमें हाईएस्ट वेट की बात नहीं की गई है क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग वेट मान लिया जाता है। एसएससी एमटीएस में आपका फिजिकल नहीं होता है ना, उसमें हाइट और चेस्ट और वेट इनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। एसएससी एमटीएस में जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं उम्र की वजह से, वो एसएससी हवलदार का फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें भी आपका वही एग्ज़ाम होता है जो एसएससी एमटीएस का होता है। इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होता है केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके पैटर्न और सिलेबस के लिए मैंने दूसरी वीडियो बना दी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका जो सेकंड पेपर होता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि उस पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है। इसमें आपका सेकंड पेपर में आपका इंग्लिश के 25% होते हैं और जीएस के आपके 25% रहते हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो 75-75 नंबर हो गए आपके, तो 150 नंबर हो जाते हैं टोटल। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी 150 नंबर पर ही बनती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। सही आंसर पर 3 नंबर मिलते हैं और गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाता है, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो साथियों, आपको एसएससी एमटीएस के हवलदार की वैकेंसी आ चुकी है, तो आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर अपनी पढ़ाई तैयार कर लेना चाहिए। जिसकी व्यक्ति की इंग्लिश और जीएस अच्छी रहेगी वो हवलदार पोस्ट को आसानी से पा सकता है। तो साथियों, सभी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।